आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में और आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको नंबर के बारे में बताऊंगा। नाउन जिसे हम कहते हैं कि कहां कौन सा सिंगुलर यूज किया जाता है, कहां प्लूरल यूज किया जाता है, तो ऐसे शब्दों के बारे में मैं जानूंगा कि कौन से वो शब्द हैं जो हमेशा एकवचन में यूज किए जाते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से और सभी क्लास के लिए बहुत ही यूजेबल टॉपिक है। ये एरर करेक्शन के रूप में आता है, मतलब कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको ठीक करना होता है। तो आज हम नाउन के मीन्स वचन के कुछ रूल्स देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेन रूल दिया है वो है कुछ नाउन्स एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो एक वचन में और बहुवचन में सेम रहते हैं। आपको ये याद रखना है, जैसे मान लीजिए सीप लिखा है तो उसका एक वचन भी सीप ही रहेगा और उसका जो बहुवचन होता है वो ही सीप रहता है। इस चीज को आप याद रखना है, ठीक है। सीप है, डियर है, स्वाइन है और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट होता है वायुयान। तो ये वो शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। तो कौन कौन से शब्द हैं? सीप है, डियर है, स्वाइन है और एयरक्राफ्ट। तो अगला देखिए रूल, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ नाउन जो होते हैं वो ऑल द टाइम हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन है चलिए देखते हैं। जैसे सीनरी है, जिसे दृश्य कहते हैं, फर्नीचर है, हेयर बाल है, ब्रेड रोटी है, एडवाइस सलाह है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज में सामान है, मिस्चीफ शोर है और पोएट्री है और आपका मशीनरी है मतलब औजार है और लगेज सामान है, अल्फाबेट वर्णमाला है, न्यूज माने खबर है, इनिंग्स पारी है और कुछ खेल होते हैं, कुछ खेल के नेम होते हैं जैसे जिम्नास्टिक भी एक गेम होता है, ऐसे ही बिलियर्ड्स ये भी एक गेम होता है और ड्रॉट्स ये भी एक गेम होता है। ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। और कुछ विषय होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, जैसे आपका सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा एक वचन में यूज किए जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए आप इसमें एस लगाओ तो प्लूरल नहीं बनेगा। तो जो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ऑलरेडी एस लगा होता है, ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ गेम्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी एस लगा होता है, ये मीनिंग ऐसा ही बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं जिम्नास्टिक है, बिलियर्ड्स है और ड्रॉट्स है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। इनमें अगर एस लगा है तो हम इसको एस हटा नहीं सकते, इन शब्द में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। आप जैसे सिविक्स लिखा है तो वो सिविक नहीं होगा, वो सिविक्स ही होगा, ये सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा है? सीनरी है, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है। अब आप इसमें कभी भी एस नहीं जोड़ सकते, जैसे ये सीनरी लिखा है तो सीनरी कहोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इनका कोई प्लूरल बना ही नहीं, ये ऑल द टाइम सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। इस बात को याद रखना है कि ये सभी वर्ड्स सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, इसमें ना कुछ जोड़ सकते और ना कुछ घटा सकते हैं, ठीक है। अगला है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है और यह भी याद रखना है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से नाउन है चलिए देखते हैं। जैसे आपका कैटल है, जैसे पशु कहते हैं, पीपल लोग है, पोल्ट्री है, मुर्गी पालन केंद्र और जेंट्री है, कुटीर वर्ग, पुलिस है, मिलिट्री है, पब्लिक है, अलार्म्स मान होता है भीख और बर्मी मान होता है कीड़े मकोड़े है और टोंग्स होता है चिमचा है और रिचेस है जिसे हम बोलते हैं धन, ठीक है ना, और थैंक्स माने धन्यवाद है। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपको याद रखना है, ये शब्द हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। अच्छा कुछ शब्द और होते हैं जैसे सीजर्स है, सीजर्स भी आता है, जैसे कैंची बोलते हैं, एक वर्ड और होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्टिकल,
जिसे हम बोलते हैं चश्मा, ठीक है ना। तो इसमें ऑलरेडी एस लगा होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, क्योंकि दो भाग होते हैं, ये हमेशा हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जैसे कैंची होती है, इनके भी दो पार्ट होते हैं, सिजर्स होती है, इसमें भी एस लगा हुआ है। अगर आप इसको एस हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है, ठीक है ना। तो ये सभी शब्द जो है वो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते, इनका कोई भी सिंगुलर नहीं होता है, ये याद रखना है। जैसे इसका कोई प्लूरल नहीं होता इन शब्दों में, इसी प्रकार से इन शब्दों का कोई भी सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से एक बार वो देखते हैं, कैटल है, ठीक है ना, क्या है, कैटल है, पीपल है, पोलिट्री है, जेंट्री है। आप इसमें बाई को हटा के आईएस नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। अब पीपल लिखा है, अगर आप पीपल्स लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ये पहले से ही बहुवचन, इसमें आप कुछ भी जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे पुलिस है, ठीक है ना, ये भी बहुवचन है ऑलरेडी। मिलिट्री है, पब्लिक है, अलार्म्स है, और आपका बर्मिंग्स है, कीड़े मकोड़े है, सीजर्स है, टॉन्ग्स है, ये सीजर दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेक्टिकल्स जिसे बोलते हैं चश्मे, ठीक है, जिसमें चश्मा बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप है, इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। रिचेस, धन, तो ये वो वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, भूल जाओ तो। ये वो वर्ड है जिसमें ये और एक अपने आप में प्लूरल फॉर्म रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला रूल देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। तो याद रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम फील करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जैसे आपका सिंपथी है, सहानुभूति है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। अगर आप ऐसा करना चाहो तो सिंपथीज कर दो, सिंपथीज, बाइक हटा के आईज लगा दिए, ये रूल होता है, लेकिन ये शब्द गलत है, क्योंकि सिंपथी जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, इसी प्रकार से मटेरियल नाउन का भी कोई प्लूरल नहीं होता है, ये ऑल द टाइम सिंगुलर में ही यूज किए जाते। तो कौन कौन से मीनिंग है इसमें, जो सिंपथी, एंगर, क्रोध है आपका, थ्रस्ट, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। और सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये मटेरियल नाउन है। तो देखिए आगे का रूल देखेंगे, मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। अगला रूल है, आप देख सकते हैं, मींस, पेंस, वेजेस, गवर्नमेंट, जूरी और कम्युनिटी आदि शब्दों का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो ये याद रखना है, ये ऐसे शब्द हैं जो कुछ कंडीशंस में एकवचन में भी यूज किए जाते हैं और कुछ कंडीशन में बहुवचन में भी यूज किए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई एरर करेक्शन आएगा तो ये होगा, जैसे मान लो वर, वाज लगाए तो वर आ जाएगा, इज लगाए तो आर आ जाएगा, आर होगा तो इज आ जाएगा, ये मिस्टेक ज्यादातर इसमें देखने को मिलती है। तो क्या है, मींस, साधन, पेंस और आपका दर्द, वेजेस मींस होता है मजदूरी, और गवर्नमेंट मींस होता है सरकार, जूरी होता है न्याय समिति, और आपका कम्युनिटी होता है समुदाय। तो ये एकवचन और बहुवचन दोनों में यूज किए जाते हैं। अगला रूल है, देखिए मैंने आपके सामने कुछ अलग तरीके से लिखा है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है आप देख सकते हैं, इसमें एस लगा होता है, ये एक ऐसा देश का नेम है जिसमें ऑलरेडी एस लगा होता है, ये याद रखना है आपको। इसे बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें दा का भी यूज किया जाता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, ये दिखने में प्लूरल होता है लेकिन ये सिंगुलर में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें भी एस ऑलरेडी लगा है लेकिन ये कभी भी प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर ही होता है, क्योंकि ये अपने आप में नेम है, ठीक है। ये क्या है, न्यूज़पेपर है, याद रखना है, इस न्यूज़पेपर में और इस न्यूज़पेपर के नेम में अपने आप में नेम एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर में यूज हुआ। इसी प्रकार से अरेबियन नाइट्स, ये एक स्टोरी है, इसमें भी ऑलरेडी एस लगा है, ये भी सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में नेम है। कुछ वर्ड ऐसे ही होते हैं जिनमें एस ऑलरेडी लगा होता है,
उससे ये दर्शाता है कि अपने आप में नेम है और ये एक सिंगुलर नेम है, आप इसमें हटा भी नहीं सकते क्योंकि एक अपने आप में नेम है। इसी प्रकार से दो बीमारियां, मसल्स, मसल्स होता है खसरा और मंस का मतलब होता है जो गलसुआ होता है उसे बोलते, और इन ये भी यार इन बीमारियों में पहले से ही ऐसा लगा है इसीलिए ये भी अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है ना, ये अपने आप में सिंगुलर है याद रखना है, और इससे पहले दा भी लगता है। तो इन दो बीमारियों से पहले हम दा का यूज भी करते, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला है क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ होता है जब कपड़े के टुकड़े की बात की है, जैसे मान लो मैं कपड़े का टुकड़ा ले लूं, जैसे ये तो सिला हुआ कपड़ा है, अगर मैं इसको मैंने सबसे पहले इसका पीस लिया, ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसे सिलवाया, तो जो उसका पीस होता है जो टुकड़ा होता है उस क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ, उसमें एस लगता है, ठीक है, और जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसका बहुवचन जो होता है उसमें ईएस लगा होता है, याद रखना है जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसका बहुवचन उसमें ईएस लगा होता है, ठीक है ना। तो क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ होता है जब सिले हुए कपड़े की बात की जाए, तो ये याद रखना आपको। अगला रूल देखिए, जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाए, जैसे मान लीजिए मछलियां उनको अलग अलग रूप में देखा जाए, तो मछली जो फिश होता है उसका बहुवचन फिशेस होता है, ठीक है ना, और लेकिन जब मछलियों को एक ही ग्रुप में देखा जाए, जब मछलियों को एक ही ग्रुप में देखा जाए तो फिश का बहुवचन फिश ही होता है, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा, अभी देखो एग्जाम्पल के माध्यम से पता चलेगा आपको। देखो जैसे मैंने कहा पांच मछलियां हैं टोकरी में, मैंने क्या कहा कि टोकरी में पांच मछलियां हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरी एक टोकरी ले ली, सबको ऐसे बना ली, अब हो सकता है कोई मछली बड़ी हो तो कोई साइज में छोटी हो, किसी का आकार छोटा होगा तो किसी का आकार बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या है मछलियों को अलग अलग रूप में हम देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में मैंने यहाँ पर फिश का बहुवचन फिश लगाया, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मैंने डिनर में रात के भोजन में मैंने मछली ली, समझिए मछली को जब मैंने मछली खाई तो वहां पर मैंने उन सभी मछलियों को एक ही समूह में नापा, वहां पे ये नहीं देखा कि क्या है कैसे नहीं, तो वहां पे सभी इक्वल है, ठीक है ना, वो एक समूह में है, एक समूह में, इस वजह से फिश का बहुवचन जो है वो फिश ही होगा, ठीक है, और जब इनको सेपरेट अलग अलग रूपों में देखा जाएगा तो फिश का बहुवचन फिशेस होता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते, डबल पजेसिव का मतलब है डबल अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते, याद रखना है कि अगर एक सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है तो वो गलत है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मेरे भाई मेरे मित्र के भाई की बहन, मेरे मित्र के भाई की बहन जो है वो आई, मतलब माय फ्रेंड्स ब्रदर्स सिस्टर के, तो अगर दो बार अपोस्ट्रोफ एस लगाए इसका मतलब ये है कि ये जो अपोस्ट्रोफ है दूसरा वाला जो अपोस्ट्रोफ एस होता है उसके स्थान पे ऑफ का यूज करते, ऑफ तो हुआ द सिस्टर ऑफ, क्या हुआ द सिस्टर ऑफ, इसको रिमूव कर दिया मैंने तो हो जाएगा द सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, इस प्रकार से मैं इसका यूज करेंगे, तो इस वाले के स्थान पे ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐसे बनेगा द सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर केम, यानी कि मेरे मित्र के भाई की बहन आई, तो ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। अगला जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, जैसे मान लो कोई नाउन है और कंपाउंड नाउन में वो एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, कैसे, जैसे मैंने कहा कि उसने मुझे दस का एक नोट दिया, क्या समझे कि उसने मुझे दस का एक नोट दिया, तो दस का उसने मुझे एक ही तो नोट दिया, तो ये कंपाउंड नाउन है, देखो रुपी नोट ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना है, तो यहाँ पे दस का नोट तो ये ना, इसीलिए यहाँ रुपीज नहीं आया, क्या हुआ रुपी, ये याद रखना, मैंने कहा उसने 500 का एक नोट दिया तो वहां पर नोट तो ये इसीलिए रुपीज नहीं आया, यहाँ का रुपी, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 10 का एक नोट है,
नोट तो ये ना, इसीलिए रुपीज का क्या हो जाएगा, रुपी। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से सही करना सिखाता हूँ, कैसे एरर को हम सही करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा सिविक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो सिविक्स है वो मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको रूल लिखाया था कि सिविक्स जो है वो सिंगुलर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, इज, तो हो जाएगा सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। तो याद रखना है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई उनका सही यूज करना है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि पीपल केम इन मीटिंग, जो लोग थे वो सभा में आए, ठीक है। अब बताना आपको क्या मिस्टेक है इसमें, तो मैंने आपको बताया कि पीपल अपने आप में एक प्लूरल शब्द है और उसमें एक एस एस्ट्रा लगा दिया, ये पहले से ही प्लूरल है, तो इसको हम कितना प्लूरल बनाएंगे। तो यही मिस्टेक है कि पीपल्स नहीं होता है वो पीपल होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे सीजर्स इज शार्प, मतलब कैंची जो है वो तेज है। तो मैंने आपको लिखा था जो सीजर जो बड़े है वो प्लूरल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीजर्स आर सा। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगी उसको मैं सही करना होगा, कुछ एरर्स होंगे उनको सही करना होगा। अगर आपने उसका स्क्रीन शॉट नहीं लिया तो उसका आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उस सभी रूल्स को लिख लीजिए, और ये कहीं भी किसी प्रकार की मिस्टेक्स एरर्स कैसे भी पूछी जा सकती है। अगर आप टेंथ में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आता है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे क्या होगा जब भी मैं वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।